हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा मोड़ तब आया जब अपनी उम्र और प्रकृति के कारण बादशाह शाहजहां कमजोर हो रहे थे। वो चाहते थे कि उनके बाद उनका चहेता बेटा दारा शुकोह बादशाह बने और उनकी चहेती बेटी जहानारा उसका साथ दे। दारा शुकोह एक बहुत ही होनहार शहजादा था। देश के सभी कौमों के लोग उससे प्यार करते थे। लोग भी चाहते थे कि दारा ही अगला बादशाह बने। जहानारा बेगम बहुत ही सुंदर थी और एक अच्छी शासक थी। 17 साल की उम्र से ही राजनीति में आने के कारण वो राजनीति की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह समझती थी। वो भी दारा की तरह एक सुलझी हुई इंसान थी और अपनी पूरी ताकत के साथ दारा का साथ दे रही थी। शाहजहां के इस बड़े बेटे और बड़ी बेटी के खिलाफ था औरंगजेब, शाहजहां का दूसरा बेटा, और उसका साथ दे रही थी शाहजहां की दूसरी बेटी रोशनआरा बेगम। औरंगजेब दारा से बिल्कुल अलग था। वो इस्लामी कट्टरपंथी था, चालाक, दुष्ट और शकी इंसान था। और रोशनआरा जहानआरा से 3 साल छोटी थी। बचपन से ही जहानआरा को शाहजहां ने बहुत ही लाड़ प्यार से संभाला था, रोशनआरा के हिस्से में जो कभी नहीं आया। जवानी में भी सत्ता की चाबियां शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के मृत्यु के बाद जहानआरा के ही हाथों में आई। शाहजहां ने जहानआरा को पातशाह बेगम का ओहदा दिया, जो मुगल शासन का एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा पद था। इसलिए रोशनआरा जहानआरा से जलती थी। जहानआरा की खूबियां रोशनआरा में नहीं थी, फिर भी वो चाहती थी कि वो हर चीज उसको मिले जो जहानआरा के पास थी। और हाँ, वो हर चीज उसने पाई जो जहानआरा के पास थी। इतिहास के पन्ने के आज के इस भाग में हम जानेंगे मुगल काल की एक बुलंद नजर औरत के बारे में, जिसने जो चाहा उसको हथियाया और बाद में खोया भी। हम जानेंगे औरंगजेब की बहन और शाहजहां की बेटी रोशनआरा के बारे में, जो बड़े पैमाने पर इतिहास के पन्नों से गायब हो चुकी है। दारा शुकोह और जहानआरा के बाद 3 सितंबर 1617 में बादशाह शाहजहां को एक बेटी हुई, जिसका नाम रखा गया रोशनआरा। रोशनआरा भी खूबसूरत और प्रतिभावान थी, लेकिन जहानआरा की परछाई में उसको हमेशा रहना पड़ा, क्योंकि जहानआरा हर चीज में रोशनआरा से 2 कदम आगे थी। जहानआरा बेगम हर वो चीज पाती गई जो उसकी चाहत थी, और उसी कारण रोशनआरा गुमसुम से रहने वाली एक ठंडे दिमाग की एम्बिशियस औरत बनकर रह गई। दारा शुकोह और जहानआरा दोनों ही उसको पसंद नहीं थे, इसलिए वह अपने आप अपने क्रूर और कपटी भाई औरंगजेब की खास बनती गई। शाहजहां औरंगजेब को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाकर दक्षिण में रखा था। लेकिन फिर भी आगरा के किले के अंदर शाहजहां, दारा शिकोह और जहानआरा के बीच जो भी योजनाएं बनती, वह सब दक्षिण में औरंगजेब तक पहुंच ही जाती थी, जिसका जरिया थी रोशनआरा बेगम, जो किले के भीतर रहकर औरंगजेब की जासूस का काम करती थी। 1658 में जब बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को मिलने के लिए आगरा बुलाया, तब रोशनआरा ने ही औरंगजेब को किले के अंदर जाने से रोक लिया। उसने बताया, किस तरह शाहजहां आपको मार देना चाहता है, जिसके कारण औरंगजेब कभी भी अपने बाप से मिलने के लिए खुद नहीं गया। आगे सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हारने के बाद दारा शिकोह देश छोड़कर भाग चुका था। इस अवस्था में शाहजहां ने अपने राज्य के विभाजन का प्रस्ताव औरंगजेब के सामने रख दिया, जिसमें दारा शिकोह को पंजाब, शुजा को बंगाल, मुराद को गुजरात और औरंगजेब को दक्खन तथा बाकी पूरा देश सौंपा जाने वाला था। लेकिन रोशनआरा के कहने पर औरंगजेब ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, क्योंकि अब वो पूरा हिंदुस्तान चाहता था, ना कि कोई टुकड़ा। अगले कुछ ही दिनों में औरंगजेब की सेना ने आगरा के किले को अपने हाथों में ले लिया और खुद बादशाह शाहजहां को बंधक बना लिया, और औरंगजेब बन गया अगला मुगल बादशाह। बादशाह बनते ही औरंगजेब ने अपनी बहन रोशनआरा को उसके एहसान के चलते बादशाह बेगम के पद से नवाजा, और रोशनआरा को फरमान और निशान का अधिकार भी मिला। किसी भी फरमान पर दस्तखत करने का यह अधिकार मुगल शासन का एक बहुत बड़ा अधिकार माना जाता था। रोशनआरा इस वक्त अपनी सफलता के चरम पर थी, और वो नहीं चाहती थी कि औरंगजेब के खिलाफ कोई भी साजिश हो, क्योंकि अगर औरंगजेब नहीं रहेगा तो वो खुद भी नहीं रहेगी। इसीलिए जब दारा शिकोह को पकड़ा गया, तब रोशनआरा ने जल्द से जल्द दारा का सिर कलम करने की मांग रखी, जो औरंगजेब ने पूरी की। दारा का बेटा सुलेमान शुकोह को भी औरंगजेब ने मार डाला। दारा की बेटी जानी बेगम को रोशनआरा के हाथों में सौंप दिया गया, जिसका रोशनआरा ने बहुत बुरा हाल किया। रोशनआरा और औरंगजेब दोनों भी शाहजहां को जल्द से जल्द मरता हुआ देखना चाहते थे, और कुछ ही साल बाद आगरा के किले में कैद, वहीं पर शाहजहां की मृत्यु हो गई।
हालांकि रोशन आरा चाहती थी कि औरंगजेब जहानारा को भी मार दे, लेकिन जहानारा एक बहुत अच्छी शासक थी, एक कल्चर्ड इंसान थी और सबसे जरूरी बात यह थी कि वो सबकी चहेती थी। इसीलिए जहानारा बच गई और रोशन आरा इस वक्त भी जहानारा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। रोशन आरा की ताकत कुछ ऐसी थी कि 1662 में जब औरंगजेब बीमार था और उससे मिलने उसके कमरे में उसकी पत्नी नवाबबाई रोशन आरा के अनुमति के बिना आई तो रोशन आरा ने उसको घसीटते हुए कमरे से बाहर कर दिया। सत्ता की वजह से रोशन आरा हद से बाहर जा चुकी थी। अपने खुद के लिए बहुत सारी जायदाद वह जुटाने में लगी थी, ऊंचे ऊंचे महल बनवा रही थी। उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके इश्क के चर्चे दिल्ली के गलियारों में सुनाई दिया करते थे। औरंगजेब जैसे कट्टरपंथी शासक को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। 1668 में औरंगजेब ने रोशन आरा बेगम को बादशाह बेगम के पद से हटा दिया। यह पद फिर से जहानारा बेगम को दिया गया। रोशन आरा को दिल्ली के लाल किले से भी बेदखल किया गया। वह अब रोशन आरा बाग में रहने लगी। अगले 3 साल तक वह वहीं रही। लाल किले से निकलने के बाद तो रोशन आरा और भी खुली जिंदगी जीने लगी। कहा जाता है कि उसके एक साथ 9 लोगों के साथ नाजायज रिश्ते बन चुके थे। यह बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने वही किया जो करने के लिए उसे जाना जाता है। उसने उन 9 लोगों को मार गिराया और 1671 में अपनी बहन रोशन आरा को भी जहर देकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली में रोशन आरा बाग में स्थित यह इमारत रोशन आरा की हवेली थी। यहीं पर उसने अपनी आखिरी सांस ली। रोशन आरा बेगम अपनी तमाम उम्र जहानारा बेगम से जलती रही, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करती रही और यह करने के लिए उसने सही गलत के बारे में कभी नहीं सोचा। सत्ता के लिए उसने सब कुछ किया, लेकिन वह जहानारा से कभी नहीं जीत पाई। उसने जो कुछ पाया वह कुछ ही दिन में गंवा भी दिया। शायद वह पाने की हकदार वह कभी नहीं थी। इतिहास ने भी रोशन आरा को जहानारा के सामने कुछ भी नहीं समझा। यहाँ पर भी वह जहानारा से पिछड़ी रही और इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। रोशन आरा की जिंदगी के बारे में जो बातें हमने आपको बताई वो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को WhatsApp, Facebook, Telegram के माध्यम से अपने दोस्तों और रिश्तेदार तक जरूर पहुंचाइए। फिर मिलेंगे इतिहास के पन्ने के अगले भाग में किसी दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।